नमस्कार, स्वत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। झारखंड चुनाव में जमाई टोला भूत बनकर नाच रहा है। कल की घटना है, चुनावी तापमान का आकलन करने के लिए नेताजी पलामू के पड़वा मोड़ पर पहुंचे थे कि पीछे से जमाई टोला की आवाज आने लगी। इतना सुनते ही नेताजी आग बबूला हो गए, कहने लगे चुनाव बाद हम सबको देख लेंगे। तभी पीछे से उनके कोई शुभचिंतक ने कान में कुछ कहा तो नेताजी एकदम ठंडा हो गए और धीरे से वहां से निकल गए। दरअसल चुनाव के इन मौके पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का बड़े पैमाने पर अवैध राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाने के नेक्सस का खुलासा हुआ है। यह खबर झारखंड में जंगल की आग की तरह फैल गई। नेता लोगों को देखते ही लोग जो मतदाता है जमाई टोला के बारे में प्रश्न करने लग रहे हैं। झारखंड के बाहर के लोगों के लिए जमाई टोला एक नया शब्द है। कुछ लोग इसे मजाक में भी ले लेते हैं, लेकिन यह मजाक नहीं बल्कि वन पर्वत जैसे प्राकृतिक संपदा और शांति से पूर्ण झारखंड के लिए भ्रष्ट तंत्र और पतित राजनीति का क्रूर मजाक है। यह वोट के लिए तुष्टिकरण का विभत्सतम रूप है, जिसमें जिहादी तत्वों के अत्याचार और खड़ियन गहरा काला धब्बा बनकर सबको डरा रहा है। झारखंड के आदिवासी अब समझने लगे हैं कि गंगा जमुनी संस्कृति की बात करने वाले वस्तुतः उनको कच्चा चबा जाने पर उतारू हैं। अब बात ऐसी बन गई तो इस प्रकार का तो सामाजिक माहौल बना, इसके राजनीतिक परिणाम भी होंगे। हाल ही में चुनाव के दरमियान छापों के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उद्घाटित किया कि किस तरह बड़े पैमाने पर भारत में बांग्लादेश से मुसलमानों की घुसपैठ कराई जा रही है, किस तरह सुनियोजित तरीके से घुसपैठ कराकर भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ाई जा रही है। छापेमारी में जो दस्तावेज और कंप्यूटर से जो डाटा मिले हैं उससे उनकी वंशा और खतरनाक योजना का पता चलता है। जिहादी तत्व गृह युद्ध शुरू करके भारत पर कब्जा कर यहाँ इस्लामिक शासन कायम करना चाहते हैं। जी हाँ, इस प्रकार की बातों की खुलासा उनके दस्तावेज से और कंप्यूटर से प्राप्त जो मैसेज जो इधर उधर गए हैं उससे हुआ है। PFIs के लिए बड़े पैमाने पर हथियार जुटाने और हथियारी जमात गठित करने में लगा हुआ है। कह रहा है कि यदि भारत के 10% भी मुसलमान उसका साथ दे दें तो हम यहाँ इस्लामिक शासन कायम कर लेंगे, यहाँ के राजनीति के भरोसे, यहाँ के राजनीतिज्ञों के सहारे। इस देश के किसी भी कथित सेकुलर दल या बुद्धिजीवी के लिए चिंताजनक स्थिति भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए ताकि वे सत्ता में आकर लूटपाट कर सकें। इस नाजुक स्थिति की वे चर्चा तक नहीं करते। जो नेताजी भड़क उठे थे शायद वे इस तरह की नाजुक स्थिति है उस पर चर्चा करना नहीं चाहते, जबकि मतदाता उनका पीछा कर रहे हैं। वे मुसलमानों के अधिकतर वोट पाकर एक ऐसी केंद्र सरकार को हटाने के प्रयास में लगे हैं जो सरकार जिहादियों से भरसक लड़ रही है। अब बात करते हैं सीमा सुरक्षा के एक रिटायर्ड डीजी साहब ने हाल ही में एक टीवी चैनल पर जो कहा वह चिंता बढ़ाने वाली है। उन्होंने स्वीकार किया कि BSF में सब ईमानदार नहीं है, परंतु जो ईमानदारी से घुसपैठियों को पकड़कर राज्य पुलिस को सौंप भी देते हैं उन्हें भी राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद राज्य पुलिस छोड़ देती है। झारखंड चुनाव में जमाई टोला के माध्यम से जो सामाजिक वातावरण बना है उसमें इस समस्या को लेकर लोकमत के जागृत होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि यह प्रवाह इसी तरह जारी रहा तो तुष्टिकरण की राजनीति की दवा हो जाएगी। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।